नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम छोले भटूरे बनाएंगे। छोले भटूरे पंजाब की डिश है, दिल्ली का स्ट्रीट फूड है और इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। छोले भटूरे घर में बनाना बहुत आसान है, तो आइए देखें छोले भटूरे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले भटूरे का आटा लगाना होगा, तो ये हमें सामान भटूरे का आटा लगाने के लिए चाहिए। ये हमारी 500 ग्राम मैदा थी, जिसमें से हमने करीब 50 ग्राम मैदा सूखी बचाएंगे और बाकी 4 कप मैदा हम गूंथ कर तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून तेल, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटी चम्मच नमक, और ये चीज़ें हमें छोले बनाने के लिए चाहिए। इसमें हमने चने उबाले हुए लिए हैं। 2 कप चने हमने धो करके 8-10 घंटे भिगोए और इसके बाद धो लिया। चनों को कुकर में डाला, 2 छोटे चम्मच नमक डाल दिए, 2 टी बैग डाल दिए और 3/4 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डाला और 2 कप पानी डाल दिया। चनों को हमने 1 सीटी आने के बाद धीमी गैस पर 5-6 मिनट तक और उबाला और इसके बाद कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के बाद चने हमने निकाल लिए। तो ये हमारे उबाले हुए चने हैं। 6 टमाटर हैं, 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, 2 इंच हमने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च ले लिए हैं। 200 ग्राम पनीर है, 3-4 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 टेबल स्पून दही, 4 टेबल स्पून तेल, 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1.5 छोटी चम्मच अनारदाना, यानी कि 1.5 छोटी चम्मच अनारदाना, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करेंगे तो थोड़ी से ज़्यादा लाल मिर्च ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें भटूरे के लिए आटा लगा करके तैयार करना होगा, क्योंकि हमें आटे को 2 घंटे के लिए रखना होगा। तो हम आटे के बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और इस जगह में हम दही, चीनी, बेकिंग सोडा, नमक, ये सारी चीज़ें यहीं हम मिक्स कर लेंगे और दो टेबल स्पून हम तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को हम यहीं पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें हमने मिला ली और अब हम गुनगुने पानी की सहायता से नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो ये पानी हमने हल्का गर्म कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथेंगे। ये आटा हमने गूंथ लिया और अब हम इसे थोड़ा सा हाथ पर तेल डालेंगे और आटे को 5-6 मिनट तक इसी तरीके से मसल मसल करके एकदम चिकना आटा होने तक गूंथेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आटे के अंदर जो हमने चीनी डाली है उसके बिल्कुल दाने नहीं हाथ को टच होने चाहिए, आटा एकदम चिकना हो जाना चाहिए। अगर हम आटा अच्छा नहीं गूंथेंगे तो भटूरे भी अच्छे बन करके तैयार नहीं होंगे। तो शुरुआत यहीं से हो जाती है कि हम आटा अच्छे से मसल करके एकदम चिकना गूंथें। आटा बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। जैसा रोटी पराठे के लिए आटा गूंथा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का आटा गूंथकर तैयार करना है।
ये आटा हमने मसल मसल कर एकदम चिकना कर लिया है। आटा दिखने में चिकना लग रहा है, हाथ से जब हम इसको मसल रहे हैं तो हाथ की टच से एकदम चिकना लग रहा है। सारे चीनी के दाने ख़त्म हो गए। आटे को हम इस तरीके से दबाएं तो आटा वापस फूल करके आता है। आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इतना आटा गूंथने में हमें एक कप पानी लगा है। आटे को ढक करके दो घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। आटा फूल करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद भटूरे बनाएंगे और जब तक हमारा आटा फूल कर तैयार होता है तब तक हम छोले बना करके तैयार कर लेते हैं। छोले बनाने के लिए हमें पहले मसाला तैयार करना होगा। तो ये टमाटर तो बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि ये मिक्सर में आसानी से पीसे जा सकें। हरी मिर्च को भी दो तीन टुकड़ों में कर देते हैं और अदरक को भी छील करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और ये सारी चीज़ें पहले ही हमने अच्छे तरीके से धो करके सुखा ली हैं। और ये जो अदरक है इसको हम लंबा पतला पतला काटेंगे। तो ये सारे मसाले हम पीस करके तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। और इनको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। टमाटर का मसाला हमने तैयार कर लिया और अब हम छोले बनाते हैं। तो पैन गरम कर लेंगे गैस पर और पैन में हम तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। तेल में हम जीरा डाल देते हैं, अनारदाना डाल देते हैं और हींग पाउडर भी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और मसाले को हल्का सा भूने। अब हम जो हमने टमाटर का मसाला पीसा है वो डालें और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल ना अलग होने लगे। तो बीच बीच में हर एक मिनट में हम इस तरीके से मसाले को चलाते रहेंगे। इस अदरक को हम जो एक इंच का दूसरा टुकड़ा था इसे हम लंबा लंबा पतला पतला काट लेते हैं। ये अदरक हमने पतला पतला काट लिया और इसे हम इसी मसाले में डाल देंगे। और ये पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर चौकोर टुकड़े कर लेंगे। मसाले के ऊपर तेल तैरने लगा है, मसाला भून करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देते हैं। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोले आपको ज़्यादा गाढ़े पसंद हैं थोड़ा कम पानी डालें, थोड़े से पतले रखने हैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें। नमक भी डाल देंगे और लाल मिर्च भी डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं, ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। स्वादिष्ट छोले बनाने के लिए मसाले का अच्छे तरीके से भूनना बहुत आवश्यक है। मसाला जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि मसाले को हमें धीमी और मीडियम आग पर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे तरीके से भूनना है, यानी कि मसाले के ऊपर पूरा ध्यान रखना आवश्यक है।
ये सॉस में उबाल आ गया है और अब हम इसमें ये चने जो हमने उबाल करके रखे हैं वो डाल देंगे। गरम मसाला भी डाल देंगे और ये पनीर डाल करके मिक्स करेंगे। पनीर को हम तल भी सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ा पनीर है तो कच्चा ही काट करके मिला दें, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। छोले को ढक करके 3-4 मिनट पकने देते हैं ताकि चने और पनीर के अंदर सारे मसाले जज हो जाए। 4 मिनट हो गए हैं और छोले हमारे बनकर तैयार हो गए। गैस बंद कर देते हैं और छोलों को प्याले में निकाल लेंगे। हरा धनिया डाल के थोड़ा सा हम ऊपर से छोले की गार्निश कर देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा आटा भी फूल कर सेट हो गया है, तो अब हम भटूरे बनाते हैं। हाथ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और आटे को पंच कर लेंगे। थोड़ा सा मसल लेंगे आटे को और अब हम आटे से लोइयां तोड़कर तैयार करते हैं। सूखा आटा हाथ से लगा लेंगे और आटे से लोइयां बनाकर तैयार करते हैं। तो एक छोटे अमरूद के बराबर हम लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। लोई को गोल करेंगे। और रखते जाएंगे। ये लोइयां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें बेलते हैं। तो एक लोई हम उठाएंगे और सूखे आटे में लपेट लेंगे और अब हम भटूरे को थोड़े लंबे यानी कि ओवल आकार में बेलकर तैयार करेंगे। भटूरा हमने बेलकर तैयार कर लिया और तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल चेक कर लेते हैं, हमें भटूरे तलने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म चाहिए, अच्छा गर्म तेल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आटा हम कढ़ाई में डालकर देखते हैं। आटा तुरंत ऊपर उठ के आ रहा है, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो भटूरा हम तेल में डालेंगे और भटूरे को दबा करके फुलाएंगे। और जैसे ही भटूरा फूल जाएगा हम इसे पलट देंगे। अब भटूरा दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और निकाल लेंगे। दूसरा भटूरा डालेंगे और उसी तरीके से कलछी से दबाते हुए इसे फुलाएंगे। भटूरे को पलट देंगे। और दोनों ओर गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकाल लेंगे।
इतने आटे में 12 से 14 भटूरे बन करके तैयार हो जाएंगे। छोले भटूरे बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बने हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। लेकिन हमारे व्यूअर्स के कमेंट में रहता है कि हमारे भटूरे फूले नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं बने हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। आटा गूंथते समय आटा सॉफ्ट और मसल मसल के चिकना होने तक उसे गूंथना है। इसके बाद आटे को 2-2.5 घंटे तक गर्म जगह पर रखना है। आटा फूलकर तैयार हो जाएगा, पंच करके हल्का सा मसलना है और सूखे आटे की सहायता से गोल गोल लोइयां बना करके तैयार कर लेनी है। तेल गरम करने के लिए रख देना है और लोई को सूखे आटे की मदद से बेलना है। आराम से पतला बेला जा सकता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसा पराठा बेलते हैं उसी तरीके का बेलना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छे गर्म तेल में अगर भटूरा तलने के लिए डाला जाएगा वो एकदम से फूल करके आएगा और उसको पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक तल करके निकाल लेंगे। अगर तेल जरा भी ठंडा होगा तो भटूरा नहीं फूलेगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत अच्छे भटूरे बन करके तैयार होंगे। और छोले में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप बहुत बारीकी से ध्यान दें। आप छोले भटूरे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।